हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लालची बंदर। लालची समझते हो ना, लोभी है ना, किसी चीज के लिए लालच प्रकट करना। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। तो बहुत पहले की बात है, एक भूखा बंदर था जो खाने को या कुछ पाने को इधर उधर घूम रहा था। दिया दिखाई उसको सूने, घर में रखा एक घड़ा और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। उसको एक घड़ा दिखाई दिया और घर कैसा था, सन्नाटा था, सूना था, घर में कोई नहीं था। और घड़ा में क्या था, भुने हुए कुरमुरे चने। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरे मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। अब मुट्ठी में जब चना भर लेगा घड़े के अंदर, निकालेगा कैसे, उसका दोनों हाथ तो ऐसे टाइट हो गया। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल ना पाता था और लालची बंदर मल से चना न छोड़ा जाता था। अब ऐसा हो गया, घड़ा का मुंह छोटा था लेकिन लालची बंदर के हाथ से वह चना भी नहीं छोड़ा जा रहा था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आप पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। मालिक का नाम क्या था, राम सुमेर। अब खुद सोच तुम ही सकते हो, बंदर पर जो कुछ बीती, बच्चों तुम यह बतलाओ बंदर ने की क्या गलती। बंदर ने क्या गलती की, हाँ जी, सन्नाटे घर में घुसकर चुपचाप चोरी की। अब यहाँ पर सुना, जहाँ कोई ना हो फौरन तुरंत मुठ्ठियां बंधी हुई हथेलियां, लालची जिसे लालच हो, कोशिश प्रयास मालिक स्वामी खुद स्वयं गलती भूल। मौखिक प्रश्न अपने आप से कर लोगे। अब यहाँ देखो, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। भूखा कौन था, बंदर। घड़ा किससे भरा था, कुरमुरे चने से। घर के मालिक का नाम क्या था, राम सुमेर। अब देखो, कविता के आधार पर गलत या सही का निशान। बंदर कैसा था, बहुत भूखा था, यस करेक्ट। उसे मीठे सेब का पेड़ दिखाई दिया, बिल्कुल नहीं। घड़े का मुंह बहुत बड़ा था, बिल्कुल नहीं। बंदर के हाथ घड़े में फंस गए, एग्जैक्टली। घड़े में पानी भरा था, नो। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये तो आपको पता ही है, दिन, दिन का क्या हो जाएगा, रात। पाना खोना, भरा खाली, देर जल्दी, छोटा बड़ा, मालिक सेवक। नीचे दिए गए शब्दों में जो शब्द वर्ग से अलग है उसके सामने सही का निशान लगाइए। हाथ मुंह नाक चना। अब ये देखो, तीनों तो बॉडी पार्ट्स हैं, चना चना तो नहीं है। बंदर चिड़िया हाथी शेर। अब यहाँ पर देखो, बंदर हाथी और शेर ये तीनों जानवर में आ गए और चिड़िया पक्षी हो गई। चना मिठाई घड़ा फल। अब देखो, चना भी खाने का चीज है, मिठाई भी और फल भी, तो क्या हो गया, घड़ा। ओके, अब नीचे दिए गए वर्ण का विच्छेद कीजिए। अब दिखाई द छोटी ख आ ई, ऐसे ही आपको इसको भी बनाना है, जैसे ब प्लस अ प्लस द प्लस अ प्लस र प्लस अ। ये मैं आपको कॉपी में लिखकर भेज दूंगी। अब यहाँ दियो, दिए गए शब्द जाल में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को ढूंढकर लिखिए। अब यहाँ पर हो गया तुम्हारा चना, एक वचन, बच्चे, बहुवचन, डंडा, एक वचन, मुट्ठी, एक वचन, मुट्ठियां, बहुवचन, घड़ा, एक वचन, गलती, एक वचन, घड़े, बहुवचन, चने, बहुवचन, डंडे, बहुवचन, गलतियां, बहुवचन, बच्चा, एक वचन। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसे अपनी कॉपी में लिख लेना। थैंक यू बच्चों।